ये देखो, ये 90% फेल हो चुका है, लास्ट 10% बचा है। 8, 10, 12 तो मैं 12 बेड में कोई भी नहीं है, अकेला मैं हूँ। सो मेरा डिनर हो गया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो मैं 12 बेड में कोई भी नहीं है, अकेला मैं हूँ। और तो बार बार कैसे, यहाँ पे एसी ऑन है ना, तो बाहर तूफान जैसा है, तो बार बार डोर खुल जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भले, उन्होंने चेक किया जाके, मैंने एक भाई से पूछा तो कोई भी यहाँ पे बुकिंग नहीं है, और इतने रात को भी शायद कोई बुकिंग आएगी भी नहीं, 10 बज गया है। तो उन्होंने बोला इफ़ यू वांट तो आप लॉक करके रह सकते हो। तो मैंने लॉक कर दिया, अभी चुपचाप बस सोने का ट्राई करूँगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं कुछ 6:50 हो रहे हैं अभी। मेरे को घर, मम्मी का कॉल आया घर से, उनको लगा कि मुझे जल्दी निकलने का, पैकिंग के लिए उन्होंने कॉल किया, पर पैकिंग तो मैंने ऑलरेडी कल सब करके करके रख ली है आधी से ज़्यादा। पर अभी यहाँ से मैंने विंडो से बाहर देखा, व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है, तो वापस सोने का मन नहीं कर रहा है। चलते हैं बाहर चले, पूरा व्यू देखते एक बार कि कितना अच्छा व्यू हुआ है बाहर का मॉर्निंग में। उसके बाद फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, हिल्स में ना मॉर्निंग इतनी ज़्यादा प्यारी होती है, ठंडी लगती है वो अलग बात है, बट पूरा फ्रेश एयर हर जगह होता है, हर जगह मौसम बहुत ठंडा होता है। कभी कभी अगर अच्छा रहा वेदर, हवा कम चलती रही, तो चिड़िया की आवाज़ भी आती है, बहुत मज़ा आता है। जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पे ये डैम साइड का व्यू देख लिया है, और डैम के पूरी साइड में हमारे लेक साइड का व्यू आता है। तो हम चलते हैं वहाँ, चल के वो भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ से घूमते जाते हैं पहले, तो सामने से यहाँ से मुझे शॉर्टकट मालूम हो गया है जाते जाते। तो यहाँ पे खड़ा है हमारा गोकू, वैसे मैंने इसको शेड के नीचे लगाया इधर पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत बारिश है, वो रात भर भीग गई मुझे मालूम है। एंड जो मेन आपको कल बता रहा था व्लॉग में, दिक्कत ये हुई है, देखो यहाँ मेरा ब्रेक फ्री, इसके बाद ब्रेक लग रहा है, दिख रहा है ये, एक्चुअली इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, इसमें एयर जा चुका है। और क्या होता है ना कि यहाँ पे मैकेनिक्स है 10-12 किलोमीटर से, बट दिक्कत क्या है कि मैं रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ना इसमें अगर एयर वो निकाल पाए तो फिर मेरा ब्रेक पूरा बन जाएगा, अगर नहीं निकाल पाए एयर और चला गया तो ब्रेक पूरा फेल हो जाएगा। और इसका प्रोसेस है ना, ये तो बहुत जल्दी होता है, तो बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं रिक्स नहीं ले रहा हूँ। इसका हाफ ब्रेक लग रहा है, हाफ ब्रेक से मैं आराम से क्रॉस करूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग सिर्फ यहाँ पर नीड पड़ेगी, और वैसे भी मैं इंजन ब्रेकिंग सिस्टम्स यूज़ करके उसको बचा लूँगा। हाईवे पर तो नीड नहीं पड़ती मुझे ब्रेक की। और रही बात दूसरी की, यहाँ पर ना अगर कोई दिखता है मुझे आगे जाके इसका बजाज सर्विस सेंटर, तो मैं दिखा दूंगा इधर ही। नहीं तो फिर चलते हैं भाई, फ्रेश होते हैं, हाथ पूरे जमने लगे हैं मेरे। हाँ, कोई भी अगर हिल्स में आता है ना, तो ये चीज़ का ध्यान दो कि अपने बाइक्स वगैरह प्रॉपर चेक करो। मैंने कल रात को ही अपनी बाइक को ल्यूब करके रख दिया था, और इसमें पेट्रोल भी इनफ है कि मैं घर तक पहुँच सकता हूँ,
बट फिर भी मैं किधर अच्छे पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल फिलअप करवाऊँगा। इसी टंकी है 12.5 लीटर की टंकी है, तो मुझे इनफ मेरे नीड के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। मुझे था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं भरवाऊँगा नहीं, मैं जाने के टाइम ही भरवाऊँगा, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। चलते हैं ब्रश व्रश करते हैं फटाफट, देन मिलते हैं। वही गाइस, मैं हो गया हूँ फ्रेश, घर वालों से वीडियो कॉल पे करके अच्छे से बात भी कर ली है। सिर्फ एक चीज़ उसका थोड़ा बुरा लगता है ना, क्या लगता है कि अकेले अकेले घूम रहे, पर सबको ले घूमेंगे एक बार, कुछ टाइम और हो जाए बस। और कैसे ना, घर पे सबको पता होता है भाई को, मम्मी को, पापा को कि व्लॉग के लिए गए हैं, कब तक आएंगे, बट मेरा जो सिम्बा है ना वो बेचारा कुछ पता रहता है। सो खाली ये लगता रहेगा कि घर पे क्यों नहीं आए, रोज इतने बजे घर पे आते, आज क्यों नहीं आए। तो वो ना जब उससे वीडियो कॉल पर बात करते हैं ना, बेचारा ढूंढता है, तो बहुत बेकार लगता है वो टाइम पर। तो बस अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे फटाफट और सीधा घर पर पहुँचेंगे, जाके फिर सबसे मिलेंगे, उसके आगे कंटिन्यू सब काम करेंगे। चलते पे देखते हैं ब्रेकफास्ट में है क्या। कल तो ब्रेड बटर, चाय, कॉफ़ी और आलू का पराठा था, आज देखते क्या है। सो फाइनली हम लोग जाने की रेडी हो गए और मेरा सामान भी सब यहाँ पे पैक हो गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। गोकू को भी मैं कॉटेज के साथ सब सामान लोड करते हैं अभी, देन निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर पे, क्योंकि जब तक ये जर्नी को एंड नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कैसे कर पाएंगे, वही बात है ना। पर अभी जाने के टाइम भी रास्ते में बहुत कुछ होने वाला है, तो व्लॉग में बने रहो। चलो, गणपति बप्पा मोरया। तो यहाँ पे सब भाई लोगों से मैंने अभी हाय हेलो किया, बाय बाय किया और सबको थैंक यू बोला, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ही लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है और बहुत सारी मेरी हेल्प की है, बिना मांगे उन्होंने मेरी हेल्प की है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पे आके। अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से, और जो मेन है ना, मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ का ना कमी व्यू दिखाऊँ, बिकॉज ऑफ आप पिछले 3 दिन से यहाँ के व्यू देखे जा रहे हैं। सो एक लास्ट टाइम यहाँ पे टॉप से व्यू देख लो, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। एंड जस्ट मैं ये चीज़ सोच रहा था कि ना यार, एक नॉर्मल लाइफ से हमको यहाँ पे आने पे, ऐसे भीड़ भाड़ से आने के बाद हमको यहाँ पे कितना सुकून मिलता है, सामने लेक साइड पॉइंट है, फ्रेश एयर है, कितना सुकून मिलता है। बट जो मैंने देखा यहाँ पे और भी घर हैं आगे जाके, तो वो बेचारे तो यहीं पे रहते हैं, उनको यहाँ पे रहने में फिर सुकून मिलता रहेगा या फिर उनको अपनी जो नीड की चीज़ें हैं वो लेने के लिए दूर जाना पड़ता रहेगा। जैसे मेरे को सांप दिखा, तो जो फैमिली यहाँ पे रहती रहेगी, जिनके घर है, उनको भी तो यहाँ पे सांप की प्रॉब्लम आती रहेगी ना। तो वही बात होती है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एंड अभी बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गई, मैं कब से सोच रहा हूँ शायद रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बट वैसे मैं ध्यान आगे साइड पड़ा तो वहाँ पे ना 1.5 किलोमीटर दूर और पूरा ब्लैक स्काई है, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, रुक के फटाफट अपना रेनकोट पहनता हूँ, फ़ोन वगैरह सब मेरा बहुत ज़्यादा भीग चुका है, और मैं पाउच लेके आया था रेन वाला, रेन कवर लेके आया था फ़ोन के लिए, बट वो मिल ही नहीं रहा मुझे। एंड सबसे जो मेन बात है वो है ये, रायनॉक्स के साथ मुझे उसका रेन लाइनर भी मिला, जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। फ़ोन को भी जाके फटाफट पन्नी में पैक करते हैं एंड वापस जर्नी स्टार्ट करते हैं। और देखो, मुझे मालूम था रेनकोट पहनते बारिश गायब, दूर दूर तक गायब, क्यों भगवान जी क्यों। अगर ऐसा ही था तो बोलते मैं रेनकोट पहनता ही नहीं था, मैं भी बस हवा में राइड करता था ना। बट कोई बात नहीं डूड, उल्टा एक चीज़ अच्छी क्या होती कि रेनकोट पहन के आराम से राइड करते रहो, बारिश अगर आगे कभी होगी तो भी हमको दिक्कत नहीं होगा। एंड बस अभी एक ही चीज़ है, आप लोग राइड का मज़ा लो, और मुझे बस एक चीज़ की तलाश है, वो है पेट्रोल पंप की। गाइस लुक एट द व्यू, बारिश के बाद और कितने स्काई क्लियर दिख रहे हैं अभी। तो आप थोड़ा इन्जॉय लो राइड का और साथ में मेरी बातें सुनते जाओ, कि ना जब कभी भी राइड पे आप आते हो जाते हो तो ट्राई करो अपनी ना नेसेसरी जो चीज़ें चाहिए वही लेकर आओ, बाकी फालतू चीज़ें नहीं लेके आओ, उससे बैग का लोड ही बढ़ता है। और जैसे मुझे जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो एक्स्ट्रा चाबी हो, चाहे रेनकोट हो, चाहे
फ़ोन के लिए पन्नी हो एक्स वाई जेड, तो ये सब प्रिपरेशन करके आया करो। सो फाइनली गाइस पेट्रोल पंप मिला है एचपी का, तो वहाँ पर चलिए पहले फिलअप करवाते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ ना कि सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल फिलअप करवाते हैं, देखते कितना भरते कितना नहीं भरता है। तो मैंने अंकल जी को बोला कि 530 का पेट्रोल भर दो। एंड सबसे मेन जो प्रॉब्लम था, टेंशन तो गायब हो गया सर से। बट एक दूसरी दिक्कत है, वो है ये यार, इतना ज़्यादा रोड पे फॉग आ गया है ना, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे को तो डबल टेंशन है, बिकॉज एक तो चश्मे में फॉग जमता है और एक वाइजर में फॉग जमता है। बट मैंने आराम आराम से राइड किया, और जब मुझे लगा कि नहीं रुकना चाहिए, सेफ़ नहीं है, तो मैंने साइड में थोड़ा सा ब्रेक लिया। घर पे कॉल करके उनको बताया कि मैं कहाँ पहुँच गया कहाँ नहीं पहुँचा। उसके बाद फिर वापस मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी। सो आने के टाइम हम लोग आ रहे हैं ये अपना रायता वाले साइड से जगह आने के लिए। और ये देखो, ये 90% फेल हो चुका है, लास्ट 10% बचा है। फिर भी यहाँ से मेरा घर है और 10 किलोमीटर्स है। बट किलोमीटर्स का दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है, आगे चॉकलेटी पैच का, वहाँ पे ब्रेक के बिना काम होगा नहीं। होपफुली फिंगर क्रॉस करते कि यहाँ तक पहुँचे हैं, 10 किलोमीटर और चलेगा, उसके बाद उसको तो मैं शाम को ठीक करवा ही लूँगा, ठीक है। सो देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते। मैं से बैटरी चेंज करता हूँ, फिर साथ में रिकॉर्ड करते हैं, चलो। ऐसे तो ना मैं पिछले 155 किलोमीटर के आसपास से बिना ब्रेक की गाड़ी चला के आ रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी जगह पहले ब्रेक बनवा लें, अगर रास्ते में कहीं मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। मैं सोचो सीधा यहाँ से सर्विस सेंटर जाऊँ मैं बिना घर पे गए, फिर भी ट्राई करते रास्ते में अगर कोई मिलता है तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे मुझे एक ना छोटा सा पंचर का शॉप दिखा, तो मैंने भैया को आवाज़ लगाया, तो भैया ने आके मुझे बताया कि वो तो नहीं रिपेयर करते, बट यहाँ पर आगे वरब गाँव साइड कोई एक है जो शायद रिपेयर कर सकता है। तो फटाफट हम वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ कि मुझे ना अंकल ने बोला मैं ट्राई करता हूँ, और अंकल के ट्राई करने के चक्कर में अंकल से वो बना नहीं, उल्टा जो थोड़ा बहुत ब्रेक लग रहा था वो पूरा ख़राब हो गया उसके बाद। तो फिर आखिर में ना मुझे थक हार के यहाँ पे भी पता करके यहाँ पे भी उन्होंने नहीं बना पाया, उसके बाद मुझे जाना पड़ा सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में ये हुआ मेरे साथ। सो गाइस मैंने ना आज तक बहुत सर्विस सेंटर में गया हूँ, बट मेरी लाइफ का सबसे ख़राब ना सर्विसिंग मुझे आज ही मिला, बिकॉज ये साईदीप मोटर है जो अंबरनाथ में है, बजाज का सर्विस सेंटर है। तो यहाँ का जो ओनर है ना साई, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली है, बट वो नहीं तो इनका जो स्टाफ था ना, उसने इतनी रूड तरीके से मेरे से बात की। उन्होंने बोला कि आपने इसको कहीं और क्यों चेक करवाया। मैंने बोला भाई यहाँ से मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ, मुझे यहाँ पर आने के लिए तो कम से कम चेक करवाना पड़ेगा ना। तो इन्हें बहुत रूडली बात किया। उसके बाद उनके जो स्टाफ था मैकेनिक, उन्होंने बोला कि मुझे ये पार्ट चाहिए गाड़ी का, तो उनको पार्ट का नॉलेज भी नहीं था, उन्होंने मैच करके कैसे ही पार्ट लेकर आए। ऊपर से जब उनको मैंने बोला कि ये ब्रेक अभी भी आधा ही लग रहा है, तो उन्होंने बोला आपकी गाड़ी में मिट्टी लगा है, आप पहले गाड़ी वॉश करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ये क्या बात हुई यार, गाड़ी में मिट्टी तो लगेगी ना, बारिश का टाइम है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया, साईदीप बजाज मोटर सर्विस सेंटर का बहुत ही ख़राब गया। एंड लीव इट, छोड़ो, अभी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लग रहा है मेरा, एंड घर भी पास में आने वाला है। तो और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड पीस आउट।